एक गुफा है यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर भालू भी हो सकता है, यहाँ पे भालू निकलता है। ए भालू है, भागो भागो भागो। दौड़ के भाई सांस फूलने लगा है। हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। गाइस, लिटरली 2 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रहा था एंड लाइट भी नहीं था, तो मैं स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग निकल पड़े घूमने एंड बाहर मौसम भी आप देख सकते हो कितना अच्छा है। तो और क्या चाहिए, मौसम भी अच्छा है और मौका भी है, तो चलो चलते हैं घूमने। पहले तो गाइस यार कार में थोड़ा पेट्रोल डालेंगे, क्योंकि कार में पेट्रोल नहीं है एंड यू नो, बिना पेट्रोल के गाड़ी जाएगा नहीं। तो पहले पेट्रोल डालेंगे, फिर बहुत तेज़ भूख भी लग रहा है, तो कुछ खा भी लेंगे रास्ते पे जो भी मिलेगा। तो चलो अब सीधा मिलते हैं पेट्रोल पंप पे। तो भाई लोग, यहाँ पे आके पता चला कि आज स्ट्राइक के वजह से पेट्रोल पंप जो है वो बंद है, पर कोई ना, आगे भी और एक पेट्रोल पंप है तो उधर जाके देखते हैं। वो टाउन के बाहर है तो शायद तो वहाँ पेट्रोल मिल जाएगा। तो फाइनली हम दूसरे पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं एंड किस्मत से ये वाला खुला है, तो फटाफट हम पेट्रोल डाल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पेट्रोल डल चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो चलते हैं बिंदास घूमने। तो गाइस, वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, हमें वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे एंड आपको पूरा व्यू टाउन का एंड जंगल के अंदर का दिखाएंगे। बट भाई लोग, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कहा जाता है और बार बार सीसीटीवी फुटेज में भी देखने को मिला है कि वहाँ बाघ भालू रहते हैं, कभी कभी वो रोड पे भी आ जाते हैं। बस ये प्रे करो कि हमारे सामने ना आए भाई। अब चलो सीधा वो पहाड़ के पास मिलते हैं। दस किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद गाइस, हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन के। और आप सामने देख सकते हो एक मंदिर है, वो भगवान शनिदेव के मंदिर है। और हमको जाना है पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर भी एक और मंदिर है जो कि माता वैष्णो देवी के मंदिर है। बट हमने नहाया नहीं, तो कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर बाहर से आपको जंगल का व्यू दिखाएंगे। अब फटाफट से कार को पार्क कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे पहाड़ के ऊपर। अब हमारा कार हो चुका है पार्क और हमको उतर के वो सामने वाले जो पहाड़ है वो पहाड़ के ऊपर जाना है, तो चलो चलते हैं। आप देख सकते हो इधर नीचे कुछ दुकान है, कुछ तो पूजा का सामान मिलता है, कुछ खाने का दुकान है और एक चाय का भी दुकान है। चलो उनको पूछते हैं, कुछ खाने को मिलता है तो बढ़िया बात है। तो गाइस यार, सीन ये है कि वहाँ पे खाना जो है वो बन रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो ऊपर से आते हैं फिर जाके हम खाना खाएंगे। तो यहाँ ऊपर जाने के दो रास्ता है, एक देख सकते हो इधर पत्थर के ओर से एक रास्ता है और एक रास्ता जो है वो सामने से है, इधर हम जहाँ से जा रहे हैं। हम पत्थर के ओर से जाना चाहते थे बट बारिश इतना हो रखा है कि पत्थर जो है वो स्लिप हो रहा है, तो आप अगर गिरोगे तो सीधा पहाड़ के नीचे ही गिरोगे अगर ऊपर से गिरोगे। तो हमने सोचा कि सबसे बेहतर रहेगा कि सीढ़ी के ओर से ऊपर जाए ताकि ये सेफ भी हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत सारा सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भाई थक जाओगे। मैं गाइस यार, इधर बहुत साल पहले, मतलब लगभग 5 साल पहले हम लोग इधर आया करते थे, साइकिल से हम इधर आते थे सुबह मॉर्निंग वॉक करने। तब से मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, बहुत दिन के बाद आज आ रहा हूँ। मुझे भी देखना है, बहुत साल के बाद मैं भी आ रहा हूँ और आपको भी दिखाते हैं ऊपर का व्यू कैसा रहता है। अब चलो सीधा ऊपर ही मिलते हैं। सीन ये है गाइस, हम इतने सारे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम थक चुके हैं भाई, पैर में मेरा दर्द भी होने लगा है। तो सामने एक जगह पे बेंच बना है, तो जाके उधर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और वहां से पूरा सामने वाले पहाड़ का व्यूज भी मैं आपको दिखा दूंगा। बस कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर जाएंगे ऊपर जंगल के और, जंगल के अंदर ही जाएंगे। कुछ टाइम यहाँ पे रेस्ट करते हैं, मैं आपको सामने वाला व्यूज भी दिखा देता हूँ और यहाँ से टाउन कैसा दिखता है आप गेस करना, अगर आपको टाउन दिखे यहाँ से तो गेस करना। वैसे वो पहाड़ के उस तरफ जो है वो वहाँ पे टाउन होता है,
और यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल है। तो बस आप देखो व्यूज देखो, तो सामने वाला बड़ा सा पहाड़ है, यहाँ पे असल में बाघ और भालू यहाँ पे निकलते हैं। ये दो पहाड़ के बीच में वो रोड है जहाँ से हमने आए थे, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क किया था। तो वो जानवर लोग कभी कभी रास्ता क्रॉस करके ये वाले पहाड़ पे भी आ जाते हैं। तो गाइस हमको बस सावधान रहना है। इसको देखो ये पूरा नीचे बैठ गया है। असल में गाइस यार हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो अब सीधा ऊपर ही मिलते हैं। फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं। सामने देख सकते हो आप एक मंदिर है, सामने वो है माता वैष्णो देवी की मंदिर, और मंदिर के उस वाले साइड पे पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ से ये पहाड़ का पूरा ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से नीचे के ओर हम जाएंगे, जंगल के अंदर हम जाएंगे, और जंगल का व्यू पूरा अंदर का व्यू आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं। अंदर क्या है, बारिश हो रखा है भाई, सांप वांप ना निकले, बस बारिश तो बहुत तेज 2 दिन से हो रखा है, आप देख सकते हो भी। ये ऊपर मंदिर के ओर से होके जाएंगे। ये जो मंदिर है यहाँ पे बहुत लोग घूमने भी आते हैं, अपने फैमिली के साथ आते हैं। असल में गाइस यार मंदिर तो आते ही आते हैं, बट आप देख सकते हो कि चारों तरफ कितना ज्यादा शांत है, पूरा गाइस शोर शराबा से दूर जंगल के अंदर नेचर के पास, भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब चलो सीधा हम चलते हैं जंगल के अंदर। यहाँ से और कोई हमारे साथ है ही नहीं, खाली हम तीनों ही हैं, पूरा जंगल के अंदर ही जाएंगे। गाइस ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये देखो यहाँ पे कितना सारा पानी निकल रहा है, बट पानी ऊपर से नहीं गाइस यार, पानी ये यहाँ पे देखो एक मिट्टी के अंदर से आ रहा है। अब मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, सामने पूरा सुखा ही सुखा है, खाली ये वाला जो है ना यहाँ पे, यहाँ से ही पानी निकल रहा है, ये मिट्टी के अंदर से ही पानी निकल रहा है। सामने देखो पूरा सामने सामने बिल्कुल पूरा जैसे कि वैसे सुखा के सुखा ही है, तो कितना सारा पानी वो मिट्टी के अंदर से आ रहा है गाइस यार, वो कैसे हो रहा है किसी को अगर पता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। फाइनली हम एक ऐसे जगह पे आके पहुंच चुके हैं जहां से मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा जंगल का व्यू पूरा आपको दिखा सकता हूँ, और यहाँ से आगे जाने का रास्ता भी नहीं है, बस यहीं तक ये रास्ता है। इसके नीचे पूरा खाई खाई है, अगर यहाँ से गिरोगे तो पूरा हड्डियाँ भट्टियाँ भी नहीं मिलेगा भाई। गाइस आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप यहीं तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलेगा गाइस यार। अगर लाइक करोगे तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियो बनाने का मन भी करता है, तो बस लाइक कर दिया करो। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नीचे कितना बड़ा खाई है, अगर यहाँ से गिरोगे ना भाई तो मत पूछो भाई यार, सीधा जाके यमराज के पास ही मिलोगे भाई। ये देखो नीचे के और जाने का रास्ता भी नहीं है। हाँ अगर आप जाना चाहते हो, मतलब प्रॉपर उसका नॉलेज है पहाड़ चढ़ने का, तब आप जा सकते हो उधर से, इजीली नीचे तक जा सकते हो। पूरा पत्थर ही पत्थर है ब्रो, और बारिश के वजह से इतना स्लिप हो रहा है पत्थर के ऊपर, तो हमको तो नहीं जाना भाई। और वैसे भी मेरे को हाइट से इतना ज़्यादा डर लगता है, तो मैं तो नीचे जाने वाला नहीं हूँ, यहाँ से मैं सीढ़ी से ही जाऊँगा, जहाँ से आया था वहाँ से ही जाना चाहता हूँ मैं, कोई ये लफड़ा वफड़ा में नहीं बनना भाई, इधर से जाके करोगे क्या। हाँ हो सकता है कि और भी थोड़ा मजा आए, बट अब मेरे को नहीं जाना भाई यार ऐसे करके। बट ये लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ तक अगर नीचे तक ना हो सके तो कम से कम इससे थोड़ा सा नीचे जाने के लिए, तो मैं तो मना कर दिया भाई, मेरे को नहीं जाना ही नहीं था। तो ये जा रहा है नीचे, चलो देखते हैं ये कैसे जाएगा, बस आप देखते रहो।
वो फाइनली मैं उसको मना कर दिया यहाँ से और नीचे ना जाने के लिए, बस यहाँ से वापस आने के लिए बोला, बस उतना ही भाई। अगर गिर विर जाए तो फिर फालतू में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं उसको बोल दिया कि ऊपर आ जा। भाई हम दोनों थक गए थे और बस वही एक एक्टिव था, हम दोनों थक गए थे और माहौल भी पूरा शांत हो गया था। तो मेरे को, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको, इसके साथ थोड़ा सा प्रैंक किया जाए और इसको डराने के लिए ट्राई करते हैं। कंप्लीट मिशन सक्सेसफुल। गुफा के अंदर भालू है कह के मैं उसको डराने वाला हूँ, बस आप चुप रहिएगा इसे, आप देखते रहिए कि बहुत मजा आने वाला है। ए भालू है, भागो भागो भागो। तो गाइस मेरे साथ जो लड़का था ना वो बहुत ज़्यादा डर गया है, चलो जाके पूछते हैं उसको क्या हुआ। वो सीधा चला गया पूरा ऊपर ऊपर का और पूरा चला गया, चलो जाके उसको पूछते हैं क्या हुआ। असल में कोई भालू वालू नहीं था गाइस यार, मैंने बस ऐसे ही डराने के लिए बोल दिया था। ओ भाई दौड़ के भाई सांस फूलने लगा है, चलो जाके उसको पूछते हैं चलो। वो देखो वहाँ पे बैठा है। ए! क्या क्या हुआ बेचारे, क्या हुआ, क्यों क्यों आ गया वहां से? वो इसको देखो गाइस, इसका पसीना देखो, इसको देखो क्या हुआ। तो तुम लोग डरा ही दिए। अबे भालू भालू कुछ नहीं था, आजा आजा चल चलते हैं, आ जा। तो गाइस भालू भालू कुछ नहीं था, इसको मैंने बस वैसे ही डरा दिया। उसको देखो पसीना पसीना हो गया, बस भाग के आ गया सीधा ऊपर गया। चलो चलते हैं नीचे, चलो नीचे से भी कोई घूमने आया है भाई। फाइनली गाइस यार हम आ गए हैं नीचे और मेरे को बहुत तेज भूख लग रहा है, उधर कुछ खाने को मिल जाए तो बस मजा आ जाएगा। बहुत बहुत तेज मेरे को भूख लग रहा है गाइस, आप सोच भी नहीं सकते। मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं हूँ, बस एक या दो बार सिर्फ चाय पिया था। अब चलो चल के उधर दुकान में देखते हैं, कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा गाइस यार। ये देखो सामने हमारे लिए खाना बन रहा है, तो बस गर्मा गर्म खा के मजा आ जाएगा। 5 मिनट वेट करने के बाद हमारे पास आ चुका है हमारा खाना और ये दोनों भी खाने लगे हैं। मेरे को भी लग रहा है बहुत तेज भूख, तो फटाफट मैं खाना खा के फिर आपके साथ मिलता हूँ। फाइनली खाना वाना हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमको जाना है घर। तो वीडियो कैसा लगा गाइस यार जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, एंड कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर इस वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है तो मैं ट्राई करूंगा और एक इस टाइप का वीडियो लाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही गाइस यार, बाय बाय।